राइट हाइपोटेनस एंड साइड। क्या कुछ बोल रहे हो? हेलो, फिर कोई आया क्या? देखिए, एक अभी आपका क्वेश्चन प्रूव करना है इस कन्वेंशन रूल पर कि प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल आर इक्वल। आप ट्रेंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल को भी आप इक्वल प्रूव करते हो, करते हो ना यूज? क्यों ऐसा होता है वो यहीं पर हमको प्रूव करना है। थ्योरम है ये भी, प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हमें ट्रायंगल ड्रॉ किए जिसका नाम है ए बी सी। इन दिस ट्रायंगल आपको प्रूव करना है एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड, दो साइड आपका यहां पर इक्वल दिया हुआ है, इसका अपोजिट एंगल सी और इसका अपोजिट एंगल बी को इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले आप गिवन में लिखोगे कि इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, टू प्रूफ आपको इसमें प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। जबकि आप इसका क्वेश्चन डायरेक्ट बनाते थे, अगर दो साइड इक्वल है इसका अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव करके हम लोग डायरेक्ट करते थे, यहां हम उसी को प्रूव कर रहे हैं। एक कंस्ट्रक्शन यहां भी ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप एक एंगल बायसेक्टर ड्रॉ करो, कहां से? फ्रॉम ए से ड्रॉ एंड एंगल बायसेक्टर ए डी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो? इक्वल हो। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं ड्रॉ ए डी बायसेक्टर ऑफ एंगल ए, ड्रॉ ए डी बायसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब आप अगर ये एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है, हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए, क्या ये दोनों ट्रेंगल कंग्रुएंट होगा? बोलो, तो यहां आरएचएस हम नहीं अभी ले सकते हैं। हाँ, आरएचएस अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो, हम परपेंडिकुलर तो ड्रॉ नहीं किए, हम एंगल बायसेक्टर ड्रॉ किए। तो इन ट्रेंगल ए डी बी में एंड ट्रेंगल ए डी सी, अभिराज आपके यहां से चोर हो रहा है, तो आपका नहीं है, और कहां से गाना आ रहा है?
आदित्य थोड़ा सा क्लास में ध्यान दो, अगर अगल बगल शोर हो रहा है तो माइक म्यूट कर लेंगे, आप ही को डिस्टर्ब होगा। ओके, देखिए इंट्रेंगल ए डी बी एंड ट्रेंगल ए डी सी, पहले दोनों ट्रेंगल का हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है, नाम लिख लिए। अब आप जो हाइट बैलेंस रूल बताए उसमें कौन हम यूज करेंगे, तो आपका एक एंगल 1 2 का इक्वल है और ए बी किसका इक्वल है, ए सी का इक्वल है, और ए डी आपका ए एस ए से क्यों होगा, दो एंगल कहां इक्वल है, दो एंगल तो इक्वल नहीं है। आप दिखा दो पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन, और ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, ए बी इज इक्वल टू ए डी क्या हो गया, कॉमन हो गया, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम लिख सकते हैं ट्रेंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ए डी सी, बोलिए कॉन्ग्रुएंट होगा। अब अगर दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी, यहां पर हम सी पी सी टी का यूज किए, क्रोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल, क्रोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल, इट इज क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है, अगर प्रूफ करने आ गया कि प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल आर इक्वल, तो आप इक्वल करके दिखा सकते हो कन्वर्ट करके सीपीसीटी से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके।